नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का करेंगे संबोधन, साझा करेंगे अपने विचार। दिल्ली में आपसे खुलेंगे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन शर्तों के साथ। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत समेत 11 विधायक बने मंत्री। लोकसभा में कांग्रेस कर रही नए नेता पर विचार, राहुल गांधी रेस में सबसे आगे। दिल्ली में मौसम में बदलाव जारी, गर्मी के तेवर हुए ढीले, आज भी छाए रहेंगे बादल, बारिश की है उम्मीद। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा, ताकि वे अपने कोविड 19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सके। बता दें कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा सहित करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। ये जानकारी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत सॉफ्टवेयर को निशुल्क साझा करने के लिए तैयार है और पीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस मंच को ओपन सोर्स संस्करण तैयार किया जाए। जो भी देश इसे चाहते हैं उन्हें ये निशुल्क दिया जाए। भारत कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को कोविन की पेशकश करेगा। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुकी है। आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इस वक्त 99 रुपए 86 पैसे हो गई है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए 36 पैसे बताई जा रही है। अन्य प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल की कीमतों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुंबई की बात करें तो अभी मुंबई में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 93 पैसे है, जबकि चेन्नई में 100 रुपए के स्तर को पार कर चुका है। हालांकि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में डीजल की कीमत फिलहाल 96 रुपए 91 पैसे बनी हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है। सरकार ने अभी भी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रखने वाली एक्टिविटीज की श्रेणी में ही रखा है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में आज से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ही ट्रेनिंग देने की अनुमति उसमें प्रदान की थी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बछरावा स्थित सीएचसी का निरीक्षण किया, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी जायजा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने कई नेताओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया। प्रदेश में 4 जुलाई के दिन पर्यावरण दिवस 5 को है, लेकिन आज 4 जुलाई को देश में 25 करोड़ का लक्ष्य वृक्षारोपण का रखा गया है। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के कब्जे के बाद सियासी गलियारों में गर्माहट तेज हो चुकी है। सियासत का पाला पलटने के बाद अब भाजपा को एक बार फिर संजीवनी मिल गई है। बेशक भाजपा के जिला पंचायत सदस्य के कद्दावर प्रत्याशियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बाजी मारने में कामयाब रही है। यही कारण है कि पूर्व सांसद विजयेंद्र चौधरी के द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए जमकर भाजपा पर तंज कसे गए
और भाजपा पर सत्ता के बल पर चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया गया। लेकिन जिला पंचायतों के परिणाम के संबंध में मुझे कुछ विचार देने थे आपके माध्यम से अपनी जनता की अदालत में। दुर्भाग्य है जो पार्टी लोकतंत्र में मूल्यों की दुहाई देती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कहते कहते थकते रहे थे कि हम तो महान आत्मा है, महात्मा है, हमारा क्या है। लेकिन इन पंचायतों के चुनाव में धनबल और सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा भी टूट गई है। उदाहरण के तौर पर अलीगढ़ है, आम जनता ने 9 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जिताए 47 में, अब वो 38 कैसे हो गए, इनमें कौन सी जादू की छड़ी थी। लखीमपुर खीरी में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले में वृक्षारोपण कराया गया। जनपद के कई क्षेत्रों में विभिन्न किस्मों के 67 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत मंडल कमिश्नर रंजन कुमार ने राष्ट्रीय कृषि बीज केंद्र जमुनाबाद फार्म में महिला समूह के साथ पौधारोपण किया। रंजन कुमार ने सभी जिले वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। आज 67 लाख एक साथ लगाए जा रहे हैं और इसमें वन विभाग नॉर्थ और साउथ दो भाग में बटा है, बाकी लगभग 2 दर्जन विभाग को भी लक्ष्य दिया गया है। उसमें ग्राम विकास विभाग काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहा है, कृषि विभाग है और पंचायती राज विभाग, उद्यान विभाग, सभी को लक्ष्य मिला है और सब ने पूरी सफलतापूर्वक उसको पूरा कर लिया। नर्सरी से उठान करके वृक्षारोपण पूरी 100% पूरा कर रहे हैं और इसका जैसे आप जानते हैं कि हम लोग के जीवन के अस्तित्व के लिए पूरे शुद्ध वातावरण की ज़रूरत है और हम लोग शुरुआत से ही जीवन जब से आया है हम लोग निर्भर हैं प्रकृति पे और प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण। सीतापुर में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है जिसके तहत 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकारी विभाग इस पौधारोपण को जन आंदोलन के रूप में साकार करने में लगा हुआ है। जगह जगह पर जनप्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों द्वारा पौधारोपण कर आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक रामकृष्ण भार्गव भी वहां मौजूद रहे। वन महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, सब लोगों की इच्छा है हमारा देश प्रदेश गांव हरे भरे रहें। और ये जो आप देखते हैं आए दिन बीमारियां आ रही हैं, वृक्ष लगेंगे, पेड़ लगेंगे तो बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी, लोगों को हवा मिलेगी और हमारे गांव में हरियाली। सहारनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 30,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट में 5,000 पौधे लगाए गए। साथ ही अंबाला रोड स्थित सागर रत्ना में भी पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक राजीव गुंबर और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह वहां मौजूद रहे। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों का लक्ष्य आज सहारनपुर विकास प्राधिकरण का 20,000 पौधे लगाने का है। उसमें हम लोगों ने 5,000 पौधे पैरामाउंट कॉलोनी में और ये सुपर स्टार होटल है जो आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और कुल मिलाकर के हम लोग 10 मियाबाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं, उसमें लगभग 15,000 पौधे हम लोग उसमें लगाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि पूरे आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसी के तहत सहारनपुर में भी वृक्षारोपण किया गया है और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के उपलक्ष्य में रामनगर में भी वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, जिले के नोडल अधिकारी, डीएम, एसपी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण किया और अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए। डीएम ने बताया कि हमने मुख्य रूप से उन जगह पर वृक्षारोपण किया है जहां प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटवाकर खाली जमीन करवाई गई थी। जिले में 19 जगह पौधारोपण किया जा रहा है और करीब 25 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लखनऊ में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृहद वृक्षारोपण के माध्यम से लखनऊ में 25 लाख पौधे लगाए गए। बता दें कि एक सप्ताह में लखनऊ को 30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ये पौधारोपण किए हैं।
देखिए आप अवगत है कि शासन के निर्देशों में इस पूरे एक हफ्ते को विशेष वृक्षारोपण हफ्ते के रूप में मनाया जा रहा है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। आज 4 जुलाई को विशेष वृक्षारोपण दिवस के दिन पूरे जनपद में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के हम लोग पौधे लगा रहे हैं। औषधीय पेड़ भी हैं, जिसमें फलदार पेड़ भी हैं और साथ ही साथ अन्य छायादार। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं विधायक निधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अविनेश कुमार ने हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट की प्रगति का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि हम लोग को संभावित तीसरी लहर, कोविड की संभावित तीसरी लहर से पहले जनपद स्तर पर समस्त व्यवस्थाएं करानी है। उसके लिए एहरोरी ब्लॉक में माननीय विधायक श्री प्रभाष कुमार जी की निधि से यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है। उसी के क्रम में यहाँ पे सिविल वर्क्स का काम कम्प्लीट हो चुका है और हम लोगों ने पाइपलाइन का काम भी कम्प्लीट कर लिया है। संभवतः एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर प्लांट आ जाएगा, तो मात्र केवल प्लांट इंस्टॉल करके इसको क्रियाशील करने की बात है। तो हमें उम्मीद है कि हम जुलाई में इस प्लांट को यहाँ पे। बदायूं के थाना उसहैत में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ थाना प्रभारी चेतराम वर्मा समेत समस्त स्टाफ ने पौधारोपण किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान थाना अध्यक्ष चेतराम वर्मा ने बताया कि क्योंकि हम सब मिलकर संकल्प लें और हम सब ने मिलकर पेड़ लगाए हैं, इसी तरह सभी लोगों को भी पौधे रोपित करने चाहिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आपने देखा कि लगातार हम आपको तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अभी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बदायूं की तस्वीरें चल रही है, जहां थाना प्रभारी ने पौधारोपण किया है, साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में उन्होंने भाग लेते हुए पौधे रोपित किए हैं। साथ ही उन्होंने जिले की जनता से अपील की है कि बदायूं का हर शख्स पौधा रोपित करे और जिले को हरा भरा बनाने में सरकार की मदद करे। हमीरपुर में मामूली विवाद के चलते पुलिस से शिकायत करना भारी पड़ गया। पुलिस के शिकायत के चलते नाराज दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित को ही गोली मार दी। फायरिंग करते हुए दबंगों ने परिजनों के साथ भी मारपीट की। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रांच में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर तीनों परिजनों को झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। बता दें कि दबंगों से पहले कहासुनी होने पर पीड़ित के द्वारा डायल 112 पर शिकायत करने से दबंग नाराज हो गए थे, जिसके बाद नाराज दबंगों ने ये कदम उठाया। हमीरपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोतवाली राठ में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां पीड़ित को पुलिस से शिकायत करना ही भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पीड़ित के साथ कुछ दिन पहले दबंगों ने मारपीट की थी, जिसका उसने विरोध किया और तत्काल पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं दबंगों को जब इस बात का पता चला तो वो इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने घर में घुसकर पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की, साथ ही बीच बचाव में आए परिजनों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद अब पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रीता कुशवाहा और कल रात से थोड़ी लड़ाई हुई थी चाचा से, तो उसी पे बहस हुई थी। चाचा ने कॉल पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाने के बाद वो लोग गुस्सा हो गए कि पुलिस क्यों बुलाई। उसकी वजह से फिर पुलिस 10 मिनट जाने के बाद 10 मिनट बाद दोबारा आए घर पे और गेट पे जोर जोर से खटखटाया कि गेट खोलो। गेट ना खोलने पर वो बारी तोड़ के आ गए, और बारी तोड़ने के बाद दादा दादी लेटे थे, दादा दादी वहाँ तक जा नहीं पाए, उन पर हमला कर दिया। फिर यहाँ से पापा, चाचा, चाची, मम्मी, भैया सब लोग गए तो वापस मारा, और छोटे बड़े भैया को गोली लग गई। 3 फायर करी 2 फायर के बाद 3 फायर लगी। देखिए ये घटना जो रात में करीब 12 बजे के आसपास हुई है, और इसमें मजदूर जो है श्री जयराम है, इनको कस्बे के ही कुछ लड़के थे, इनके करीब संख्या 7 और 8 के करीब है, इन्होंने इनके गले में गोली मार करके इनको घायल कर दिया है। इनको तत्काल बेहतर उपचार के लिए झांसी जो है रेफर किया गया और इनका इलाज जो है झांसी में। देश में वैक्सीनेशन को काफी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। वहीं वैक्सीन को लेकर लोगों का भ्रम दूर करने के लिए भी लगातार अपील की जा रही है। हरदोई में भी कोरोना वैक्सीनेशन का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जो आपको हैरत में डाल सकता है।
दरअसल यहां एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगने के बाद महिला का पैरालाइज्ड हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया और ये दावा महिला ने खुद किया है। परिजनों ने इस बात की जानकारी जब डॉक्टरों को दी तो वो भी हैरान होकर रह गए। फिलहाल बुजुर्ग महिला के ठीक होने से उसके परिवार वालों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। तो हरदोई से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक तरफ पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जोर दे रही है, वहीं लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर और वैक्सीन को लेकर तरीके के भ्रम भी पैदा किए जा चुके हैं। वहीं इसके उलट हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक बुजुर्ग महिला का पैरालाइज्ड हाथ वैक्सीन की वजह से ठीक हो गया। जी हाँ, ये मामला सामने आया है हरदोई से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला नेपाली स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद कुछ ही समय के बाद महिला ने यह दावा किया कि उसका बायां हाथ जो पैरालाइज था अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वहीं जब ये जानकारी डॉक्टर्स को लगी तो डॉक्टर भी इस बात को जानकर हैरान है। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है, डॉक्टर इसका कारण पता लगा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग महिला के परिवारजनों में इस वक्त खुशी का माहौल है। हम अपनी माता जी का इलाज कम से कम 4 साल से करा रहे हैं लखनऊ से, कहीं लखनऊ कराया, कहीं बरेली कराया, कहीं हरदोई कराया, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। थकते हम लोग जो है चुपचाप बैठ गए। जब मेरी माता जी का पहला वैक्सीन लगा था तो लगने के बाद जो है 10-15 दिन के बाद उनको कुछ हाथ में हरकत महसूस हुई, थोड़ा सा हाथ उठा। फिर जब मैंने दूसरी वैक्सीन लगवाने बाद आज मेरी माता जी का पूरा जो है हाथ उठ रहा है, उनके फिंगर। सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि थाना मिर्जापुर इलाके के जाटोवाला में क्रेशर व्यापारी के आवास में हुई लूट में शामिल 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह और नकदी भी बरामद की है। तो सहारनपुर पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता मिली है, जहां पर लूट वो करने वाले शातिर 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुठभेड़ का सहारा लिया। आपको बता दें कि बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी देखने को मिली, जिसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हमीरपुर में इस वक्त लुटेरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लुटेरे दिन दहाड़े बैंक जा रही युवती से 1,40,000 की लूट कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि युवती रुपए जमा कर थैले में लेकर बैंक जा रही थी। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है। सीओ सदर ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो हमीरपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर लुटेरों ने दिन दहाड़े एक महिला को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें कि महिला बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रही थी, जिससे पहले ही लुटेरों ने बैंक से पहले ही उसे रोक लिया और उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए 10 अदद मोटर पंप, 4 मशीन और तमंचे भी बरामद किए हैं। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही कई मामलों में वांछित बताए जा रहे थे। वहीं चोरों को गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से 10 अदद मोटर पंप, 4 एम्पलीफायर मशीन और तमंचा भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।